हाय दे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो इज ऑल अबाउट एवरयूथ नेचुरल्स वॉलनट स्क्रब। ये मेरा फेवरेट स्क्रब है एंड यस, इसको मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ एंड आई जस्ट लव इट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और इस वीडियो को लाइक करते हो अगर ये आपको अच्छा लगता है। तो ये स्क्रब 25 ग्राम्स का पैक है मेरे पास। ये 50 रुपीज का रिटेल करता है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको हर जगह पर अवेलेबल मिल जाएगा। मैंने ये ब्लिंकिट से मंगाया था अभी रिसेंटली और इसको मैंने काफ़ी सारा यूज़ भी कर लिया है, तो फाइनली आई डिसाइडेड टू रिव्यू इट। वैसे मैंने इसका बड़ा वाला जो पैक है वो अपने स्कूल टाइम पर, कॉलेज टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है एंड दिस इज़ माई गो टू स्क्रब। तो मैं इस स्क्रब को अपनी बॉडी पर भी यूज़ करती हूँ, हैंड्स पर भी यूज़ करती हूँ एंड फेस पर भी। बट फेस पर जब मैं इसे यूज़ करती हूँ तो सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के ही स्क्रब करती हूँ हल्के हाथों से, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो वॉलनट पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं और आपके एक्ने को ट्रिगर कर सकते हैं। और मेरी स्किन जो है वो एक्ने प्रोन है, तो मैं बहुत केयरफुली इसको यूज़ करती हूँ। ओवरऑल इट्स अ नाइस डिसेंट प्रोडक्ट। तो ये स्क्रब पैराबेन फ्री है एंड यस, दिस इज लाइक यू नो वेरी सेफ प्रोडक्ट टू यूज। अभी मेरे फेस पर काफ़ी डेड स्किन हो गई है बिकॉज मैंने बहुत टाइम से यूज नहीं किया है कोई भी स्क्रब। तो ये जो स्क्रब है ये कुछ इस तरह का दिखता है, यू वुड सी, एक नॉर्मल स्क्रब की तरह है। इसके पार्टिकल्स काफ़ी हार्श होते हैं बट येस, अगर आप चाहो तो इसको बहुत आराम से धीरे धीरे अपने फेस पर यूज कर सकते हो। मैं मोस्टली इसे अपनी बॉडी पर यूज करती हूँ, यू कैन सी। बट येस, ये स्क्रब जो है अच्छे रिजल्ट्स देता है, दैट्स वाई आई स्टिक टू इट। मैं और भी बहुत सारे स्क्रब्स यूज कर चुकी हूँ बट अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं एवरयूथ का ही खरीद लेती हूँ। तो अब मैं इसे अपने फेस पर यूज़ करूंगी एंड यस, इसको यूज़ करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लेंस कर सकते हैं किसी फेस वॉश की हेल्प से या सिर्फ वाटर से। बट यस, इसको जब यूज़ करना है तो आपको पानी का यूज़ डेफिनेटली करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये ना धीरे धीरे ड्राई होता है, यू कैन सी अभी ड्राई हो चुका है। तो दिस कैन बी हार्मफुल फॉर योर फेस, ये चीज़ इस तरह से टाइट हो जाता है तो फिर ये हार्मफुल हो सकता है आपकी स्किन के लिए। तो अब मैं अपना फेस वेट करके आऊंगी, टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैंने अपना फेस वेट कर लिया है सिंपल पानी से और मैं इसको अब ले लूंगी अपने हाथों पर। बस इतना सा लेती हूं मैं। तो अब मैं इसे नॉर्मल अपने फेस पर स्प्रेड कर लूंगी पहले, यू कैन सी, धीरे धीरे जेंटली स्क्रब कर लूंगी मैं। मैंने बहुत दिनों से स्क्रब नहीं किया था तो आज मैंने सोचा मैं स्क्रब करूंगी तो फिर वीडियो भी बना लूंगी। एंड यस, यू कैन सी ये धीरे धीरे ड्राई होने लगता है, तो आप बीच बीच में पानी ले सकते हो। मैं नॉर्मली 2 से 3 मिनट इसको बस स्क्रब करती हूँ। अपने आई एरिया को मैं अवॉइड करती हूँ, बस फोरहेड और चीक्स और नोज में कर लेती हूँ। मेरे अभी कोई ब्लैक हेड स्किन पर नहीं है, बस डेड स्किन है, तो आई कैन जस्ट यू नो यूज इट टू रिमूव दोज डेड स्किन। पैरों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, मैं अपने नॉर्मली फुट में भी इसको यूज करती हूँ नहाते वक्त। तो मेरा फेस हो चुका है, अब मैं जाऊंगी इसको वॉश ऑफ कर लूंगी अपने फेस से। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था, माय स्किन फील स्मूथ एंड यस, अगर आप इस स्क्रब गोरे होने के पर्पज से यूज करते हो तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। प्लीज़ ये स्क्रब जो होता है ये सिर्फ एक क्लेंजिंग करता है, आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है, ये कोई गोरा नहीं करता है किसी को। तो प्लीज़ अवॉइड सच मार्केटिंग टेक्निक्स फ्रॉम द ब्रांड्स एंड यूज इट जस्ट फॉर क्लेंजिंग पर्पज।
So this is my skin after using Everyuth Naturals Walnut Scrub. मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही डिसेंट प्रोडक्ट है. बट मैंने आपको बताया जब मेरे एक्ने होते हैं तो मैं इस स्क्रब को बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज इट ट्रिगर्स देम एंड इससे एक्ने मार्क रह जाता है अगर आप एक्ने के दौरान यूज करो तो, बिकॉज आपका एक्ने टाइम से पहले बर्स्ट हो जाता है जिसकी वजह से इट जस्ट यू नो क्रिएट्स एक्ने मार्क. मेरे एक्ने मार्क काफी हल्के हो चुके हैं बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस स्क्रब. मैं डर्मैट रिकमेंडेड मेडिकेशन यूज कर रही हूँ तो मेरे एक्ने मार्क भी जा रहे हैं. मैं सिर्फ स्क्रब को एक क्लेंजिंग पर्पज से यूज करती हूँ, वो भी हफ्ते में एक बार या ज्यादा से ज्यादा दो बार. दैट्स इट. यू कैन सी माई स्किन इज लुकिंग वेरी फ्रेश एंड वेरी क्लीन, मतलब कोई गोरी नहीं बट क्लीन. येस आई कैन फील इट, इट हैव सम यू नो स्मूथनिंग इफेक्ट ऑल्सो. इट डज वर्क ऑन योर डेड स्किन एंड येस ये आपके डेड स्किन पर बहुत अच्छे से काम करता है. माई फेस फील स्मूथ इनफ. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको ये स्क्रब कैसा लगता है मुझे बताइएगा कॉमेंट करके. एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.